ये बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध के आश्रम में बहुत सारे शिष्य एक साथ शिक्षा लेने आए थे। उन सभी शिष्यों में अपनी अलग अलग खूबी थी। उन्हीं में से एक शिष्य उन सबसे अलग था। उसका नाम गोविंद था। गोविंद का स्वभाव बहुत गुस्से वाला था। जब भी कोई बात गोविंद को पसंद नहीं आती तो उसका गुस्सा चरम सीमा तक पहुंच जाता। गोविंद किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, अलग थलग ही रहता था। एक बार गोविंद के पिताजी आश्रम में आए, गौतम बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए वो गोविंद के बारे में गौतम बुद्ध को बताने लगे। उन्होंने कहा कि गोविंद छोटी छोटी बातों पर क्रोध करता है और इसी आदत की वजह से हमेशा अपना नुकसान कर बैठता है। अक्सर लोग इसकी आदत का फायदा उठाते हैं और इसको गलत राह पर ले जाते हैं। अपने क्रोध के चलते गोविंद अच्छे बुरे का ख्याल नहीं कर पाता। गौतम बुद्ध गोविंद के पिताजी की बातें सुनकर मुस्कुरा उठे। एक सुबह गौतम बुद्ध ने गोविंद को अपने पास बुलाया और कहा कि आज मैं तुम्हें पूरे दिन के लिए काम सौंपता हूँ जिससे तुम्हें पूरा मन लगाकर करना है। तुम्हें पूरे दिन क्रोध करना है, जितना हो सके उतना क्रोध करो, एक पल के लिए भी शांति नहीं धरनी है। गोविंद तो खुश हो गया क्योंकि उसे तो बहुत ही सरल काम मिला था, वो तो इसे आसानी से पूरा कर लेगा। अब गोविंद पूरे दिन झगड़ा करने में लगा रहा, कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ। सब लोग उसके व्यवहार से तंग आ चुके थे। शाम को उसने गौतम बुद्ध के पास आकर कहा, गुरुदेव मैंने अपना काम पूरे मन से किया है। बुद्ध मुस्कुरा दिए और उसे जाने को कहा। कुछ देर बाद बुद्ध ने गोविंद से पूरे आश्रम की सफाई करने को कहा। गोविंद ने यह काम भी पूरे मन से किया। इसके बाद गौतम बुद्ध ने गोविंद को डांटना शुरू कर दिया। पूरे आश्रम के शिष्य वहां इकट्ठे हो गए और कोई भी शिष्य गोविंद की तरफ से नहीं बोला। सभी को यही लग रहा था कि गोविंद ने ही जरूर कुछ किया होगा। बुद्ध ने गोविंद को फिर अगले दिन दूसरे गांव भेजा और कहा कि आज तुम्हें उस गांव में सिर्फ अच्छे कार्य करने हैं, चाहे कोई भी तुम्हें कुछ भी कहे, तुम्हें जरा भी क्रोध नहीं करना है। गोविंद अगले दिन उस गांव में जाकर साफ सफाई करने लगा, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। अगर कोई उस पर गुस्सा करता है तो वह उसे पलट जवाब नहीं देता, वो कुछ नहीं कहता। पूरा दिन निकल गया था। गोविंद को काम करते करते शाम ढलने लगी। शाम को बुद्ध भी उस गांव में गए और उन्होंने गोविंद को फिर से डांटना शुरू कर दिया। तभी सब गांव वालों ने गोविंद की तरफदारी करते हुए कहा कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है, आप इसे ऐसे डांट नहीं सकते। उन लोगों की बात सुनने के बाद बुद्ध गोविंद को आश्रम ले आए। फिर बुद्ध ने गोविंद को समझाते हुए कहा, देखा तुमने क्रोध और शांति में क्या अंतर होता है। गोविंद ने अपनी नजरें झुका ली। बुद्ध आगे कहने लगे, क्रोध हमेशा नाश ही करता है। अगर आप क्रोध करोगे, दुर्व्यवहार रखोगे, तो आप चाहे लाख अच्छे काम कर लो लेकिन किसी के दिल में अपना स्थान नहीं बना पाओगे और दुख की घड़ी में कोई आपका साथ भी नहीं देगा। और इसी तरह अगर तुम अपने अंदर शांति रखोगे तो बुरे वक्त में आपका साथ देने वाले लोगों की कमी नहीं होगी। अब गोविंद को ये बातें समझ आ चुकी थी। दोस्तों याद रखना, आपका स्वभाव ही आपकी असली पहचान करवाता है। अच्छे स्वभाव से आप जीवन में किसी को भी अपना बना सकते हो, लेकिन क्रोध आपके शरीर के साथ साथ आपके जीवन को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। ऐसी ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल ऑल ओके वाइब्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।